आगे कोई गामे जागण ही रहो मूडिया कहो उग शापाला चार पांच उगाड़ मात्यार कहो गामे जागण है काले बोले हाँ जन भजनी बोले बाप भजनी तो करिए कोनी आले जाओ ओशे जाओ दो चार कलाकार बुक कर लो। अब चार पांच उगाड़ माते गया ओशिया टेंशन माते क्यों आटे भजनी होटल में ज्यादातर रुकिया करे बे जाए चार जना बैठ गया क्यों पंडित जी ढाणी में जागण मैं भजनी बुक करना एवडा उन होटल माते एक बाप पर बैठो दो जना दोनों मोटा कलाकार बाप भजन गाजन बैठो ढोलक बजावे यार बैठो गाजन बाप ढोलक बजावे यहाँ दोनों ने भजन आवे चेर चेर पांचवा भजन में ओम जय जगदीश हरे ग्यारह बीजा बजे फिरी। अब ढोलकड़ी गलियोड़ी सीमेंट वाला कट्टा में हेन बाजो बंदेड़ो खेला में दोनों आज पर होटल में तो बैठा। अब बाप बेटा ने ठा को नहीं पंडित जी ढणियाला जागण यार एने ठा को नहीं कि एक कलाकार क्यों आज छीन तो लगोड़ी को आधो घंटो तो मैं बाप बैठो बैठा यार कह दो चार जना गुरमुर गुरमुर करिया क्यों भजनी केड़ो लेवा एक जनो क्यों यूं करो दो भजनी लेव एक तो नवड़ा ना गावे जड़ो एक ले लो बूढ़िया ना गावे जड़ो जो अपने रात खोरी निकले ऐ राजी ऐ राजी जत भी बाप ने उणीज की क्यों अरे जागण है छोरा देख अरे भजनी छे उठ उठ वो जान की राम राम शाह किशो गांव बोले मारो गांव पंडित जी ढाणी थारे जागण है कहीं बोले हूं तो कलाकार थे जे बोले हूं कह मैं बाप ने बेटो दो मारा बाजी हेलिया फकीरिया सोटा परबातिया घड़ी खावे यार मैं गोडलिया हूं अरे सेवटिया ढंगड़िया कही कहूं मैं क्यों रुपया कता लो बोले तीन हजार रुपया ले बाप बेटो दोनों ही क्यों जागण कदे क्यों काले क्यों पका जाओ बोले हाँ क्यों पेमेंट एडवांस गांव रा विचार करियो काले ही देना वैसे ही देना 3000 रुपया दे भजनी बुक कर लिया दो दिन सामरा जागण बाप रे बैठो दोनों ही आप भजन आवे दोना नहीं ओ पिताजी भजन गाना आरू करिया गणेश वंदना करी गुरु वंदना करी एक दो माता जी रे गाया एक बेरू जी रे गा दियो चार भजन पूरा विया गांव रा हगड़ा जना बैठा आ भजन चार ही आवे जन चार भजन गावे गए आरती वे जीते बजी हवा दस जन वो पिताजी बाजो बंद कर परो गावरा ने पूछियो समझ में आवे गांव रे क्यों कोनी आवे क्यों नहीं आवे जने क्यों खोटी हो जाओ हो समझ में नहीं आवे जने मने क्यों खोटी करो हो जाओ तार समझ में नहीं तेरे आओ कर वो बाजो बंद कर परो पी रहे गांव रे क्यों रुलाई दिया दस बजे जागरण बंद कर दिया बगेड़ी करी दो दिन पाचा लाओ और 3000 रुपया दे दो दिन में दोनों बा बेटा ने गावरा क्यों आज कहवा समझ में घणो ही आवे फचकाई करी आज तो क्यों कोनी आवे आज कहवा घणो ही आवे फचकाई करी पाचा लाया पाची जागण हरू करी सामरा गावरा बेटा धके क्यों सा समझ में आवे गावरा के घणो ही आवे जन पिताजी बाजो बंद कर परो क्यों घणो ही आवे जन उजियो समझ में आएगी बचे उजियो आएगी बचे चार में आएगी तो हेंगरा क्यों खोटी करो उजियो और जागण बंद कर दी गावरा क्यों थारो सीते ना जा रहे रुपया 6000 ले लिया भजन चार का चार ही गाया अब कहीं करा गावरा क्यों बेटा जागने धोखो दियो ये कोई होशियार आदमी मार बाबा जाल दे धोलो शापो फेर उड़ान गावरा ने क्यों यूं करो बे भजनिया लाओ 3000 में फाचा क्यों पच कहीं करा क्यों कीमत करो आधो गाँव तो बेहो आगे फिर आधा बेहो बीच भी अणु भजनिया ने चार भजन पूरा वे तई वो केवेला समझ में आवे जब थे तो केजियो आवे यार थे केजियो कौन आवे थे केजियो कौन आवे थे केजियो आवे फचकट जाए और 3000 रुपया दिया 9000 3000 में लाया फाचा यार वो बेटो भजन गाऊ ना हरू करियो बाप बजावे ढोलक चार भजन पूरा भी यार के वो बेटो गाऊरा ने पूछे कलाकार पूछियो समझ में आवे दगला के गणो ही आवे लारला के कोनी आवे वो बाजो भेड़ो कर पुरो खेला में बांध पुरो लारला ने कहे थाने कोनी आवे बोले हूं एन आवे एन पूछ लीजियो मैं तो निकला थे हम जा दीजियो थार गांव रहा है बोले हाँ एन हम जा दीजिए मैं क्यों खोटी हुआ थाने नहीं आवे तो थे पूछ लो आपस में एन घनी आवे तो थाने समझ में आवे अब कैडी करी हमें अरे मैं जाऊ नो को यही देखियो वीर उजे लो हाँ तो लाई दी दारू काकू कह को नहीं आवे क्योंकि बोली बोली रो फेर थोड़ी बारी बोली नागौर पटेरी है समझ में ताजी आई आनी पड़ी बस ही जाओ तो महात्मा कहे निंदिया बुराई मत कर जो उजड़ जावे जगह ने भर जो राजा राम जी देवे था ने हेला था को जन्म सफल जद वेला और महात्मा समझावे
प्रेम से बोलो चैतन्य राम जी भोमिया जी महाराज की, बोलो टूलिया भोमिया जी धाम की, श्री प्रभात गिरी जी महाराज की।